जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपको अत्यंत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से सामने वाला व्यक्ति इतना मजबूर हो जाएगा, इतना परास्त हो जाएगा, इस तरीके से अपने घुटनों पर घुटनों के बल आ जाएगा, उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। और जहाँ से उसको शक्तियाँ मिलती हैं, जिस किसी भी जगह से उसको पॉजिटिविटी मिलती है, वो सारे ही रास्ते उसके बंद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप भी एक इंसान हैं, सामने वाला भी एक व्यक्ति है, लेकिन आपके पास में नेगेटिव एनर्जी है जो आपको उससे लड़ने की शक्ति नहीं प्रदान करती, और उस व्यक्ति के पास में आपसे अधिक बल है कि जिससे वो बार बार आपको परास्त कर सकता है। तो आप ऐसा उपाय करें कि जिससे उस व्यक्ति का जो बल है वो बल ही क्षीण हो जाए, वो बल उसका समाप्त हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका कोई भी पुराना आपको जूता लेना है, कोई भी इस तरह का लेना है जो एकदम टूट फट गया हो, इस तरह का आपको जूता लेना है। आपका जूता हो, चप्पल हो, कोई भी वस्तु हो, उसको आप ले लें, और उसको लेने के बाद में उसके नीचे की तरफ आप शत्रु का नाम लिख दें, कोयले से लिख दें, काली पेन से लिख दें, किसी से भी लिख दें, और उसके नीचे लिख दें बल छीणा, बल छीणा, कि जिससे उसका बल क्षीण हो जाए, अत्यंत घातक रूप से उसका बल क्षीण होगा, इस तरीके से परास्त होगा, इस तरीके से हार जाएगा कि जहां से भी उसको पावर मिलता था, एनर्जी मिलती थी आपका मुकाबला करने की, चाहे वो किसी भी तरह की थी, अब वो मिलना समाप्त हो जाएगी। और इसको आप ले जा करके किसी भी ऐसी जगह जहां कूड़ा करकट डाला जाता हो, जहां नाली हो, जहां गंदा पानी बहता हो, ऐसी जगह कि जहां उसकी शक्ति का खात्मा हो जाए बिल्कुल, ऐसी जगह ले जा करके ढाल दें। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जूते का टोटका है, शत्रु का टोटका है, तो शनिश्चर के दिन करेंगे, सूर्यास्त के बाद करेंगे, तो तुरंत ही लाभ मिलेगा और अत्यंत लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश, और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।